जहां तक आपने बोला कि ये डर के भाग जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। जब उसके आगे वाला, उसका बड़ा भाई, चाहे कितनी उम्र में आगे हो, वो पीछे नहीं आ रहा तो ये नहीं आ सकता। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि जो अगर वहां से भागने की कोशिश करें उनके साथ क्या होता है, वो अलग से बता। ये जो अग्निवीर जब फॉरवर्ड एरिया में कोई ऑपरेशन में कहीं लड़ाई में वो उसमें के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो या वो ना जाएं फौज के साथ लड़ाई में, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। उनका जो ऊपर जो उस्ताद है, उनका जो नायक हवलदार जेसो साहिबान ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, ये इनको आगे ले जाएंगे और ये जैसे अभी लड़ रहे हैं उसी मुताबिक लड़ते रहेंगे। की उम्र कितनी है, 17.5 से 21 साल, और ये 25 साल में निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो दौड़ेगा तेज, उसकी फायरिंग करेक्ट जगह के ऊपर होगी। उसका जो देखो, अब मैं मतलब जो मैं बूढ़ा दिमाग से तो नहीं हुआ, बट बाहर दिखने में तो हो गया हूं, बट मेरा जो रिएक्शन है ना, जब हम फॉरवर्ड के अंदर हों, फॉरवर्ड में अंदर मैं देखता हूं, पहले तो देखता हूं दुश्मन है या मेरा आदमी है, फिर मैं अपनी बंदूक निकालता हूं, फिर उस पर फायर करता हूं। मेरा रिएक्शन स्लो हो चुका है, मैं उतनी जल्दी इसको अपने दिमाग में नहीं चला सकता। जो नया युवक आएगा, ये जो डिसीजन मेकिंग साइकिल है उसकी छोटी होगी, आप उस पर भरोसा करो। ये साइकिल इतनी तेज नहीं हो सकती, इसको कई लोग अंग्रेजी में उड़ा लूप बोलते हैं, बट ये हमारा रोज का बिजनेस है। पहले ऑब्जर्व करना, उसको अपने आप को ओरिएंट करना कि भाई जंगल में है, रेत में है, धूप में है, छांव में है, बारिश में है, फिर डिसीजन लेना और फिर फायर करना। उसकी ज़िंदगी का सवाल है, जो जितना छोटा होगा उसका ये लूप उतना तेज़ होगा, और यही लूप हमने पकड़ना है, उसी को तेज़ करना है। जहाँ तक आपने बोला कि ये डर के भाग जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। जब उसके आगे वाला, उसका बड़ा भाई, चाहे कितनी उम्र में आगे हो, वो पीछे नहीं आ रहा तो ये नहीं आ सकता। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि जो अगर वहाँ से भागने की कोशिश करें उनके साथ क्या होता है, वो अलग से बताऊँगा। जो अग्निवीर जब फॉरवर्ड एरिया में कोई ऑपरेशन में कहीं लड़ाई में वो उसमें के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो या वो ना जाएं फौज के साथ लड़ाई में, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा होता नहीं है कि जो लड़के जो अभी फ़िलहाल यूनिटों में आए, पलटनों में आए, जो जुड़ गए हमारा इतौस और हमारा जो तरतीब में, और जो हमारा जो पूर्वजों का जो देन है जो पलटन को चलाते हैं, तो इसमें ये ट्रेडिशन कल्चर और जो इथॉस और कमराडरी जो होता है, ये एक बहुत बड़ा पुल है और ये फौज को चलाते हैं। और ये जब लड़के आएंगे नया तो उनको ये शामिल कर देते हैं, उनका जो ऊपर जो उस्ताद है, उनका जो नायक हवलदार जेसो साहिबान ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, ये इनको आगे ले जाएंगे और ये जैसे अभी लड़ रहे हैं उसी मुताबिक लड़ते रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। और जैसे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बोला, अगर उनको अच्छा काम करेंगे उनको कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिल सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है।